कल चारमीनार विधानसभा सुधा टाकिस बेला उस क्षेत्र में चारमीनार विधानसभा का जो प्रत्याशी एमआईएम का जो प्रत्याशी है मुमताज खान उनका नाम है वो उस क्षेत्र में पार्टी प्रचार के लिए उनके पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए घूम रहे थे। तो जैसा ही एक हिंदू क्षेत्र है जहाँ पर हिंदू ज़्यादा होते हैं उस क्षेत्र में उनका अचानक जाना हुआ तो वहाँ के हिंदुओं ने उनका विरोध किया और तमाम हिंदुओं ने यह कहा कि भारत माँ की जय वापस जाओ, भारत माता की जय तुम वापस जाओ। तो एमआईएम के समर्थकों द्वारा उन कार्यकर्ताओं पर हमला भी हुआ और एमआईएम के कुछ ऐसे भी लोग ये कहने लगे कि भारत माता की जय का नारा ये लोग लगाए। तो मैं उन गद्दारों को उन देशद्रोहियों को ये पूछना चाहूँगा भारत माँ की जय भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में लगाएंगे? अगर तुम्हें भारत माँ से प्यार नहीं, भारत माँ का नारा भी तुम लोग नहीं सुन सकते तो तुम्हारे जैसे गद्दारों को मैं कहना चाहूँगा कि तुम लोग पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़े, एक बार पाकिस्तान चले जाए तुम्हारे जैसे लोगों की गति पाकिस्तान में क्या होती है ये तुम्हें जब पाकिस्तान में जब तुम जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा। साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो भारत देश का नारा भी नहीं सुनना चाहते, खुद तुम्हारे पार्लियामेंट का जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी के भी द्वारा कई बार इस तरह का भाषण दिया गया कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा, मैं राजा सिंह चैलेंज करता हूँ हमारी तेलंगाना में जिस दिन सरकार बनेगी तो पहले तुम्हारे जैसे गद्दारों को हम भारत देश से बाहर निकालेंगे, तेलंगाना से बाहर निकालेंगे। अगर नहीं जाएंगे तो जो हशर दूसरे कंट्री में होता है गद्दारों का वो हशर तुम्हारा हम तेलंगाना में करेंगे। भारत माता की जय, जय सियाराम।